हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अजय देवगन की नई फिल्म भोला का टीजर रिव्यू करने वाले हैं। फिल्म रिलीज होने वाली है 30 मार्च 2023 को 3D में। टीजर शुरू होता है बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, जहां अनाथ आश्रम दिखाया गया है एक क्यूट सी बच्ची, जिसे पता चलता है कि उससे कोई मिलने आने वाला है। बच्ची एक्साइटमेंट में सो नहीं पा रही है ये सोच के कि वो कौन है। और हीरो का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जेल में भगवत गीता पढ़ते हुए। विद सुपर्ब लो एंगल शॉट्स में हम देखते हैं अजय देवगन को, लेकिन उसमें उनका चेहरा नहीं दिखाया जा रहा, बस स्टाइलिश वॉक है। कट्स ऑफ शिव भगवान का भस्म माथे पे लगाया जा रहा है। किसी कैदी का वॉइस ओवर पीछे ये बता रहा है कि ये बंदा बहुत खतरनाक है। कौन है, कहां से आया है, किसी को पता नहीं, और जिसको पता था वो बचा नहीं। एक खतरनाक एक्शन शॉट हम देखते हैं जहां ब्लैक पैंथर की तरह अजय त्रिशूल लेके विलेन की गाड़ी के ऊपर जंप मारते हैं। अच्छा है, यूनिक है, बट थोड़ा ओवर द टॉप लगा, पर शायद टीजर में हैरान करने के लिए चाहिए। वैसे भी RRR और KGF ने हमें ग्रेविटी एंड फिजिक्स डिफाइंग शॉट्स की आदत डाल दी है, और फिर अच्छी हो तो आप फिजिक्स को हैप्पीली इग्नोर कर सकते हैं। फिल्म डायरेक्ट की है अजय देवगन ने ही, जिन्होंने इससे पहले रनवे टूर और शिवाय भी डायरेक्ट की है, शायद तानाजी भी घोष डायरेक्ट की है। टैलेंटेड आदमी है। फिल्म प्रोड्यूस किया है टी सीरीज ने, रिलायंस एंटरटेनमेंट ने और अजय देवगन ने। ओवरऑल टीजर इमोशन और एक्शन दोनों को अच्छे से दिखाता है, इंटरेस्ट जागता है फिल्म देखने के लिए। फिल्म रीमेक है तमिल हिट फिल्म कैथी की। सोर्सेज से पता चला है कि फिल्म की स्टोरी में थोड़ी चेंजेस भी की गई हैं उसे इन्हेंस करने के लिए, और ये फिल्म 3D में शूट हुई है। मेरे लिए ये सब कुछ एक्साइटिंग है। सो वेल फ्रेंड्स, ये था फिल्म भोला का टीजर रिव्यू। आपको कैसा लगा ये कॉमेंट्स में बताना। रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, जिससे आपको हमारे रिव्यूज पहुंच सकें, और अजय देवगन के फैंस के साथ इसको शेयर करें। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।